दोस्तों नमस्कार। इस समय ईद का काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है दोस्तों कि मेरे पास समय नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं बॉडी फिट कुर्ते की कटिंग। यदि एक बार आप इस कटिंग को सीख जाते हैं तो ईद में आप अच्छा पैसा छाप सकते हैं। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। हम बहुत आसान तरीके से आपको ऐसी आज फॉर्मूले बताएंगे, ऐसी कटिंग बताएंगे कि जिंदगी में नहीं भूलेंगे और आपका कुर्ता एकदम परफेक्ट फिट। जेंट्स कुर्ते की कटिंग के लिए इस तरीके का हमारे पास बड़े अरज का कपड़ा है, जो है 2 मीटर। ये ऊपर का हिस्सा सीधा है, इसको हम बीच से फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर की साइड एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इस कुर्ते की लंबाई 42 इंच है, तो हाफ इंच ऊपर मुड़ेगा और हाफ इंच नीचे, तो 42 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 43 इंच। 43 इंच पर एक मार्क लगेगा, मार्क को सीधा कर लेना है। हाले के लिए चेस्ट का चौथा लगता है, यदि फिटिंग का चाहिए तो आधा इंच कम कर दें। तो 40 चेस्ट है, 10 आ रहा, लेकिन हम 9.5 पर निशान लगाएंगे। इस मार्क को सीधा कर लेंगे, इस मार्क पे इंच टेप को रखेंगे और यहां से 16 इंच पे लगाएंगे हम लोग चाक का निशान, और इसका हाफ कर लेंगे होगा 8 इंच। यहां पर हमारा पेट बनेगा, पेट का मार्क आएगा। इस मार्क को थोड़ा थोड़ा सा उठा लेना है। सबसे पहले हम लोग शोल्डर से शुरू करते हैं। शोल्डर इस कुर्ते का 18 इंच है, ठीक है। तो मैं जो ये तरीका बता रहा हूं, आपका शोल्डर अलग हो सकता है, आपकी नाप अलग हो सकती है, आप फॉर्मूले को सीखिए, ठीक है। देखिए इसका 18 इंच है शोल्डर, तो 18 इंच पर निशान लगा देंगे और 2 सूत हम लोग और बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक। यहां से 1.5 इंच डाउन कर देंगे, ठीक है, और यहां से चेस्ट का 12वां हिस्सा या कॉलर का 5वां हिस्सा रखकर आधा इंच कमी निशान लगाएंगे, ठीक। देखिए यहां पर 3 इंच आना है, लेकिन हम 2.5 इंच करेंगे, इसको कुर्ते में हमेशा कम कर रहता है। इस निशान को क्रॉस कर लेना है, इस तरीके से मिला देना है। ये हमारा शोल्डर का यहां पर कंप्लीट, जितना ये रखा उतना ये रख करके इसको गोलाई कर देना है। अब हम इसमें आपको बताएंगे मीडियम फिटिंग, टाइट फिटिंग एंड कंफर्टेबल फिटिंग, ठीक। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, चेस्ट का चौथा लगाना है। चेस्ट इसका 40.5 है, तो 40.5 का चौथा हिस्सा लगा लेना है यहां पर इस तरीके से। पेट और हिप पर लगा लेंगे, पेट 36 है, तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच, हिप इसके हैं 40.5, तो 40.5 का चौथा हिस्सा। देखिए ये तो हो गए आपके बॉडी की नाप। अब इसमें हमें लूजिंग और मार्जिन का ऐड करना है, यहीं पर आप समझ जाइए और आपका हमने कुर्ता काटने का काम आसान। यदि आपको बॉडी फिट पहनना है, ठीक है, तो आप यहां से 1.25 इंच काट दें। यदि कंफर्टेबल पहनना है, 4 इंच की लूजिंग पे पहनना है, तो 1.5 इंच से काट दें। यदि ढीला ढाला पहनना है, 1.25, बस ये 3 मार्क हैं, इनको याद कर लीजिए। बॉडी फिट के लिए 1.25 इंच रहेगा और कंफर्टेबल फिटिंग के लिए 1.5 इंच। अगर 1.5 इंच से काटेंगे तो उसमें 4 इंच की लूजिंग आएगी, और 1.25 से काटेंगे तो 5 इंच की लूजिंग आएगी। इसी तरीके से आपको तीनों जगह यही रख देना है, ठीक है। ये 36 था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कंफर्टेबल बनाना है। तो हम लोग 1.5 इंच से इस कुर्ते को काटेंगे, यहां पर 1.5 इंच, यहां पर भी 1.5 इंच, और यहां पर भी 1.5 इंच, ठीक है। यदि यंग एज के हैं, बॉडी फिट मांग रहे हैं, तो आप 1.25 इंच से काट सकते हैं।
या डेढ़ इंची काटने के बाद आप थोड़ा मार्जिन बढ़ा के ले लीजिए। दोनों ही तरीके आपके सक्सेसफुल होंगे। इस तरीके से शेप पट्टी को लेना है, ठीक है, और हमें हल्का हल्का सा शेप देना है। ये देखिए, यहां से भी क्या करना है, शेप दे देना है। ये एकदम बॉडी फिट कुर्ता आएगा, ठीक है, 4 इंच लूजिंग से। यहां पर क्या करना है, देखिए ज्यादा क्रॉस नहीं करना है, हल्का सा क्रॉस करते हुए नीचे तक निशान लगा लेना है। यहां से 2.5 इंच पे पॉकेट टमू बनेगा और यहां से 6 इंच, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता दूं आपको, बॉडी फिट पहनना है तो 1.25 इंची यहां पर, 1.25 इंची यहां पर, 1.25 इंची यहां पर। अगर कंफर्टेबल पहनना है 4 इंच की लूजिंग तो यहां से 1.5 इंच 1.5 इंच 1.5 इंच आप जो ये मार्क लगाएंगे, है ना, बॉडी की नाप के मार्क लगा लेंगे, उसके बाद 1.5 इंच छोड़ के काट लीजिए। ये 1.5 इंच तो नॉर्मल है। देखिए यहां से हमें 1 इंच पीछे आना है और शेप पट्टी से इसको शेप देना है। अगर आपके पास इस तरीके की स्केल है तो आप इस तरीके से रख करके निशान लगा लें, अगर नहीं है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये कुर्ता बहुत अच्छी फिटिंग बन के आएगा। कॉलर इसका है 16 इंच। हाला कट गया। यहां से जो ताबीज खुलेगी दोस्तों, तो खुलेगी 13 इंच पे, 13 से 13.5 पे खोल लीजिए ऊपर से। दोस्तों कुर्ते की बहुत आसान कटिंग है, आप बहुत आसान से सीख सकते हैं, कोई विशेष इसमें थ्योरी नहीं है, ठीक है। मैंने तीनों निशान आपको बता दी हैं, आप बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको ये याद हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से आपके कुर्ते की फिटिंग आए। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो शेप आया तो ये कुर्ते को लहरा देते हैं नीचे तक, दामन थोड़ा चौड़ा करते हैं, उससे क्या होगा एकदम अम्ब्रेला फ्रॉक लगेगी देखने में। यहां से बस जितना है यहां से आधा से 1.25 इंच तक क्रॉस कर लें, बस ज्यादा नहीं क्रॉस करना है, क्योंकि अब जो कुर्ते चलने हैं स्ट्रेट चलने हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बहुत सी वीडियो हम डालते रहते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा सामना कट गया है, अब दोस्तों ये कपड़ा बिछा हुआ है देखिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2.5 इंच पर एक्स्ट्रा कपड़ा रखते काट देंगे, निशान लगा ले रहे हैं लोग। ये देखिए अब इस बाकी कपड़े को हम लोग कट कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए सामना अच्छे से कट गया है हमारा एकदम शेप में। अब दोस्तों जो बचा हुआ कपड़ा है इसको भी हमें 2 फोल्ड कर लेना है, सीधा हिस्सा अंदर रखते हुए 2 में फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। एक एक चीज को आप लोग ध्यान में रखें। और दोस्तों यहां से हमें 2 इंच नीचे छोड़ते हुए कपड़े को सामने को रख लेना है इस तरीके से, नाप के निशान लगा लें, यहां से बैक से सामना 2 इंच डाउन रहेगा, ठीक है। मैंने इसलिए 2.5 इंच कपड़ा लिया था ताकि 1.5 इंच नीचे शेप के लिए रहे। अब दोस्तों बैक काटने में देखिए कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी जो है आपको दिमाग लगाना नहीं है, यहां पर हल्का से इस तरीके से शेप दे लीजिए, ठीक है। और जो सामना कटा है यहां से 2 इंच ऊपर निशान लगा लीजिए, इस निशान को इस तरीके से रख करके सीधा कर लीजिए और नीचे निशान। दोस्तों मेरी ये स्केल 1.5 इंच की है इसलिए मुझे नापना नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए 1.5 इंच की है, मैं इस तरीके स्केल लेता हूँ, नीचे निशान लगा लेता हूँ। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो ये देखिए यहाँ से और यहाँ से ऐसे एक निशान यहाँ से 2 इंच पे लगेगा और 1/2 इंच नीचे क्रॉस करने के लिए। अब जितना ये खुला है इसको भी सीधा कर लीजिए, जितना ये आ रहा है इसको भी यहाँ से सीधा कर लीजिए इस तरीके से। और देखिए यहाँ से इस तरीके से क्रॉस कर देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से भी हमें क्रॉस कर लेना है और ऊपर से 1 इंच क्रॉस करते हुए यहां से मैं पीछे की बैक काट लेनी गुद्दी,
दोस्तों अब सेब पट्टी लेनी है, इस तरीके से रखना है और यहां से हमें शेप देना है। बस दोस्तों इतना ही है यहाँ पर। आपका बैग काटने के लिए ज्यादा मार्जिन नहीं लगते हैं। दोस्तों हमारे सामना और बैग कट गया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों एक काम कर ये भी कर सकते हैं आप कि आप यहां से जब 1.5 इंच काटते हैं तो सिलाई करते समय थोड़ा सा चेस्ट के पास मार्जिन ज्यादा ले लें ताकि चेस्ट के पास फिटिंग आ जाए इस तरीके से, ठीक है। तो आपका कुर्ता यहां से फिटिंग आएगा, नीचे लूज थोड़ा चल जाएगा। देखिए इसमें हम लोग कट लगा देते हैं पॉकेट के। दोस्तों आप लोग फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। अब दोस्तों आस्तीन की बारी है, आपको आस्तीन काट के दिखा देते हैं। दोस्तों जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हमें बीच से फोल्ड कर लेना है, डबल कर लेना है और दोस्तों एक बार इसको और फोल्ड कर देना है। कितना फोल्ड करना है मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैंने 9.5 इंच हालास का उतारा था, ठीक है। तो इसको यहां से 9.5 इंच रख लेना है कुर्ते में, इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा दें एक सीधा। अब जितनी आस्तीन हो दोस्तों, इसकी आस्तीन 23.5 है तो इसमें 0.5 इंच ऊपर जाएगा मार्जिन, तो यहाँ पर रखेंगे 24 इंच और 2 इंच का देंगे मोहनी मोड़ने के लिए मार्जिन। दोस्तों इसको निशान लगा लेना, इस तरीके सीधा कर लेना है। जो हमारा मोहरी बनेगा यहाँ पर वो होगी 11 इंच की और 1 इंच की रहेगा मार्जिन, ठीक है। 1 इंच का मार्जिन कभी मोहरी घटाने बढ़ाने के लिए। इस शेप पट्टी को रखना है इस तरीके से और शेप देना है, ठीक है। यहां दोस्तों देखिए हल्का हल्का समय इस तरीके से हाथों की सहायता से राउंड दे देना है, ज्यादा राउंड नहीं देना है। कितना राउंड ऊपर से मैंने उतारा है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये निशान यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैंने 3.5 इंच पे मैंने राउंड किया है। ठीक है दोस्तों अब देखिए इस पे हल्का सा हमें क्या करना है, सामने की ओर शेप दे देना है। यहां से चाक की सहायता से निशान लगा लीजिए, लगभग 0.5 इंच का मार्जिन यहां से निकाल देना है, इस तरीके से कटिंग कर लेनी है।